तो हम अगर उसको देखें तो इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या होगा, यहाँ पे स्पेलिंग आएगी स्पीड, तो हम यहाँ लिखेंगे SPEED, तो S और D के साथ मैच हो गया तो ये बन गया स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज स्पीड से काम करता है ना, तो ये उसका एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक हुआ। अब यहीं पे आपको जो स्पीड के साथ ही D, L और C दिया हुआ है, तो इससे जुड़ी हुई स्पेलिंग क्या हुई, डेलिजेंस, यानी कंप्यूटर एक बिना थके बिना कोई गलती किए एक लेवल में कंटिन्यूसली काम करता है, तो उसे डेलिजेंस बोलते हैं। तो ये भी उसकी एक करेक्टरिस्टिक हुई। तो यहाँ पर हम स्पेलिंग लिखेंगे DILIGENCE, तो मैच हुआ। अब उसके नेक्स्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर दिया हुआ है ए, फिर एक कॉलम छोड़ के सी, फिर एक कॉलम छोड़ के आर, फिर एक कॉलम छोड़ के टी। अब ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो इस स्पेलिंग को, पजल को मैच करती है, तो वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिना कोई गलती किए 100% एक्यूरेसी पे रिजल्ट देता है कंप्यूटर, तो ये उसकी एक दूसरी करेक्टरिस्टिक हुई। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग लिखेंगे ए के बाद CCUARATE, एक्यूरेट। ओके, अब ये बीच में आप देखेंगे आर हमें पहले से दिया हुआ है जो एक्यूरेट से मैच होता है, उसी के आगे फर्स्ट एम दिया हुआ है, तो क्या करेक्टरिस्टिक होगा इस स्पेलिंग को मैच करते हुआ, होगा मेमोरी। कंप्यूटर के पास बहुत लार्ज मेमोरी होता है ना, तो ये भी उसका एक गुण हुआ। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग लिखेंगे MEMORY, मेमोरी। एंड लास्ट आप नीचे नीचे देखेंगे तो एक पजल दिया हुआ है जिसमें आपको M दिया हुआ है और T दिया हुआ है, K दिया हुआ है और G दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मैच करता हुआ स्पेलिंग होगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा वो जॉब परफॉर्म करता है ना, अभी हमने जैसे वो क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो यहाँ पे हम स्पेल लिखेंगे MULTITASKING, मल्टीटास्किंग। तो ये पूरे पजल को आप नीट एंड क्लीन बुक में करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक मेंटेन करेंगे। ये सारा होमवर्क आपको करने के लिए 1 वीक दिया जा रहा है, आप इसे कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक को मेंटेन करके रखें। ओके, थैंक यू।